हेलो दोस्तों, सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है एमसी स्टैंड की तरफ से। तो अभी आपको पता होगा कि जो अब्दुल रुज़क हैं उन्होंने काफी सारे जगह पर एमसी स्टैंड के बारे में बोला हुआ है कि नो फ्रेंड्स है। तो इसी के बारे में अभी नवभारत टाइम्स पर एक न्यूज आर्टिकल आया हुआ है जिसमें कि लिखा हुआ था, अब जब शिव ठाकरे से इस मामले में ई टाइम्स से खास बातचीत की, इसमें उन्होंने बताया कि अब्दू और स्टैंड के बीच बढ़ती दूरियों पर कहा एक शब्द था जिसकी पूरी पिक्चर बन गई है। लोग इस बारे में बात करते हैं क्योंकि वो हमें प्यार करते हैं। जब मैंने अब्दू और एमसी के बीच के झगड़ों की सब कहानी सुनी तो मैं सरप्राइज्ड हो गया और परेशान भी। मुझे लगा कि ऐसा कब हुआ। मैंने दोनों से बात की लेकिन कुछ नहीं हुआ था। ये बस छोटी सी गलतफहमी है। बहुत सारी चीजें होती हैं जब आप मिलते हो। कुछ भी नहीं टूटा है। हमने जो ग्रुप बनाया है उसमें सभी बात कर रहे हैं। हम उसमें एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगली जो न्यूज है वो आ रही है रफ्तार की तरफ से। तो सबसे पहले तो रफ्तार ने एक सॉन्ग पर रिएक्ट करते हुए एक स्टोरी डाली हुई है, आप खुद देख सकते हो। लाडी क्या लिखता है तू यार। साथ ही आज एक किसी ने एक ट्वीट किया हुआ था जिसपे लिखा हुआ था, फाइनली हियर वी गो कृष्णा एक्स रफ्तार ऑन 25th मार्च, ट्रैक नेम माय, आई गेस इट विल बी कमर्शियल बैंगर। तो इस पर रिप्लाई करते हुए रफ्तार ने लिखा हुआ था, आगे से तुझे कुछ सीक्रेट नहीं बताएंगे। और इस चीज का रिप्लाई करते हुए GD47 पाजी ने भी एक ट्वीट किया हुआ था। अब पता नहीं मजाक कर रहे हैं या फिर सच में आ जाए। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगली जो न्यूज है वो आ रही है एमईवे की तरफ से। जो रिफिक्स म्यूजिक है उन्होंने Q&A रखा हुआ था जिसमें किसी ने पूछा हुआ था, बांट एमईवे एक्स रिफिक्स दिस मंथ। इस पर रिप्लाई करते हुए उन्होंने लिखा हुआ था, वर्क प्रोग्रेस। साथ ही जो कलमिंग है उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ था जिसपे लिखा हुआ था, वी आर क्लोज टू हिट 5 मिलियन स्ट्रीम्स पर मंथ ऑन स्पॉटिफाई। साथ ही अभी जो बंटा रिकॉर्ड से यंग आलिफ का नया सॉन्ग रिलीज हुआ था वो आप देख सकते हो यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज पे आ चुका है। साथ ही सार रोल सम्मोहित और रिक्का पाजी के कोलैब ट्रैक का पोस्टर रिवील हो चुका है जो की 23 तारीख को देखने के लिए मिलने वाला है। साथ ही हिट जोन का नया सॉन्ग कल देखने के लिए मिलने वाला है और एक्सी का जो नया सॉन्ग आने वाला है जो की 24 तारीख को रिलीज होने वाला है उसका टीजर रिलीज हो चुका है। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।